namaskaram and good evening all so today we are going to start a chapter called liability in special cases in that particular chapter we are having a concept equalization levy so technically equalization levy belongs to international taxation so i'm going to talk about international taxation i'm going to talk about equalization levy in a ca final module

But when we talk about e-commerce transaction, e-commerce transactions are server-based entity, and that's not a problem only with India. It's a problem that global uh, developed countries have faced. And सारे global developed countries जो थे, उन्होंने G20 summit करके एक summit होता है, अगर आप लोगों ने सुना होगा तो वही सीधी मॉडल वगैरह हम बात, बात करेंगे उसके आगे जाके डिटेल में। तो G20 summit में सब आए और सबने बोला कि ये international entities करती क्या है? How do they evade taxes in e-commerce transactions? <clears throat> so imagine this is India, this is a country which is the tax haven. So what do you mean by tax haven? Tax haven means a country with either low tax or no tax effect so if you start a company in this particular country either you don't have to pay tax or you have to pay very low amount of tax negligible amount of tax so obviously a e-commerce operator entity will register itself in this particular country and it will show that it is a resident of this tax haven country and it will do the business in the whole globe including india और इंडिया में ये टैक्सेशन के लिए इनकम ऑफर नहीं करके इस कंट्री में टैक्सेशन के लिए ऑफर करेगा या तो ये लो टैक्स भरेगा या तो ये नो टैक्स भरेगा बट थ्रू दैट इंडिया और कंट्री लाइक इंडिया विल लूज अ करोड़ ऑफ रुपीज टैक्स रेवेन्यू जो उनको इजिली मिल सकता था बिकॉज बिजनेस इज हैिंग हि लेकिन इस बिजनेस का रेवेनशन उनको नहीं मिलता था इस बिजनेस का जो कंसिडरेशन है इस बिजनेस का जो टैक्स इफेक्ट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नहीं मिलता था फॉर एन एग्जाम्पल सर फेसबुक कंट्री में रजिस्टर्ड कर लेगी अपनी main entity को जहां पे पे है ही नहीं And Facebook पे हम लोग एडवर्टाइजमेंट दुनिया भर की देखते हैं देखते हैं कि नहीं वी सी द एडवर्टाइजमेंट ऑन फेसबुक जल्दी बोलो अरे क्या फेसबुक एडवर्टाइजमेंट से पैसे कमाता है यस yes. तो इंडियन मार्केट में मार्केटिंग करके इंडियन मार्केट में प्रोडक्ट सेल करके इंडियन ऑडियंस को प्रोडक्ट का एग्जीबिशन करके फेसबुक ऑफ रुपीज लेकिन वो करोड़ सोफ रुपीज सर फिर उसके ऊपर टैक्स भी तो लगना चाहिए तो टैक्स वॉज नॉट पॉसिबल नॉट पॉसिबल क्योंकि सर ये कंट्री ये कंपनी हमारे देश में रजिस्टर्ड नहीं है और दे डोंट हैव एनी परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इन इंडिया या तो हमारे यहाँ पे है ही नहीं रजिस्टर्ड और फॉरेन की किसी कंट्री में रजिस्टर्ड होगी तो एटलीस्ट दे शुड हैव अ परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया उनका ब्रांच ऑफिस उनका ऑफिस कुछ तो इंडिया में हो लेकिन वो भी इंडिया में उनका कुछ नहीं था तो जब इनका इंडिया में कुछ नहीं है और इंडियन एंटिटीज लॉट ऑफ पेमेंट कर रहे अगर पकड़ लो कोई ये कंपनी इंडिया में जिसने यहाँ पे दस करोड़ का पेमेंट किया फॉर एडवर्टाइजिंग द प्रोडक्ट और एडवर्टाइज रनिंग द कैंपेन तो ये दस करोड़ के रेवेन्यू के ऊपर हमारे यहाँ पे टैक्स नहीं मिलता था हमें तो अभी हमने क्या किया ये ओईसीडी मॉडल ये जो कंट्रीज है सारी डेवलप कंट्रीज है इन सब ने ने सारी कंट्रीज साथ में आया एंड दे अस वन एक्शन एक्शन प्लान प्लान मतलब पहले तो टैक्स अवॉइडेंस को समझो कि टैक्स को अवॉइड कैसे किया जाता है एंड टू कंट्रोल दिस टैक्स अवॉइडेंस देर विल बी सर्टन एक्शन प्लान तो उसमें का एक एक्शन प्लान ये बोला कि आपके कंट्री में इक्विलाईजेशन लेवी होना चाहिए सो व्हाट डू यू मीन बाय इक्वलाइजेशन लेवी इक्वलाइजेशन लेवी मतलब टीडीएस जैसा ही कुछ तो सर टीडीएस जैसा ही कुछ तो मतलब अगर हमारे यहाँ पे किसी एंटिटी को एडवर्टाइजमेंट करना है पकड़ लो हमारे इंडिया में टाटा टाटा मोटर्स है तो टाटा मोटर्स को अगर अपना फेसबुक पे कैंपेन रन करना है जिसका बजट 10 करोड़ है ये 10 करोड़ उस एंटिटी को तो पे कर देंगे जो टैक्स हेवन में रजिस्टर्ड है लेकिन इस एंटिटी का टेन करोड़ इंटू सिक्स परसेंट एक लेवी भरा जाएगा इंडिया में। और फिर ये पैसा इस के हाथ में हो जाएगा वैसे भी वो नहीं दे रहे थे और, ये ये 6 को दे देगा। और, और इसने अगर इस पेमेंट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अगर नहीं दिया तो ये टेन करोड़ का पूरा का पूरा एक्सपेंस पीजीबीपी चैप्टर में डिसअलाउड हो जाता है पीजीबीपी चैप्टर में डिस हो जाता है अगर आपने इसका पेमेंट नहीं किया तो डू यू अंडरस्टैंड अगर इंडिया की कंपनी ने अगर पेमेंट नहीं किया इक्विलाइजेशन लेवी सिक्स परसेंट का तो इंडियन इंटिवटीज को पनिश किया जा रहा है फॉरेन को नहीं पनिश कर पा रहे थे तो हमने उसका रिवर्स चार्ज क्रिएट किया है इंडिया में and that charge is known as लेवी क्लियर है क्या अरे इक्विशन ले भी, क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है वेरी गुड रिप्लाई किया करो यार तुम लोग बातें किया करो मेरे से ठीक है तो अभी मैं आपको इसमें ना बहुत सारा इन्होंने लिखा है व्हाट इज ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन एंड वॉट आर दी नीड्स ये सब में नहीं जाता क्योंकि हम लोग अभी बहुत ही अर्ज ऑफ यू नो कम्प्लीटिंग दिलेबस है तो ई e कॉमर्स पे अलग अलग लेवल के ट्रांजेक्शन होते हैं बी टू सी ट्रांजेक्शन मतलब बिजनेस टू कस्टमर होता है गवर्नमेंट टू कस्टमर होता है गवर्नमेंट टू बिजनेस होता है कस्टमर टू कस्टमर भी होता है कस्टमर टू कस्टमर मतलब एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को प्रोडक्ट सेल करता है सर ये ऐसे कैसे होता है वो नहीं क्या वो कौन सा अपना सेकेंड हैंड प्रोडक्ट वगैरह बेचने वाली वेबसाइट वाली क्या नाम है यार उसका वो ओएल एक्स ठीक है ना तो ये ऐसे बहुत सारी सर्विसेस हमको मिलती है ई e कॉमर्स पे तो इन्होंने वो सब यहाँ पे एक्सप्लेन किया बिजनेस मॉडल वगैरह एक्सप्लेन किया अगर आपको नॉलेज पर्पज के लिए पढ़ना है तो आप पढ़ो आपका मॉडल तो डायरेक्टली लॉ चालू करता है लेकिन मुझे कैसे लॉ डायरेक्टली चालू नहीं करना है मुझे थोड़ा पढ़ना भी है उसके पहले का ठीक है ना डायरेक्टली सेक्शन नहीं चालू करना है आई हैव टू रीड हैर्टन थिंग विच विल गिव यू मोर क्लैरिटी मोर यू नो आइडिया की एक्सैक्टली हम किस चीज की बातें कर रहे हैं ई कॉमर्स ग्लोबल एंड इंडियन सिनैरोन इन्होंने पूरा वो कितना ट्रिलियन इकोनॉमी होता है वो सारी बातें इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है टैक्सेशन ऑफ ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन चैलेंज तो यहाँ पे मैं पढ़ लेता से से पढ़ना चालू कर देता क्योंकि टैक्सेशन चालू होता है तो जहां से टैक्स चालू होता है वहां से डिस्कशन चालू होता है ग्रोथ ऑफ ई कॉमर्स एंड कंसर्न एमरजिंग देयर फ्रॉम द रैपिड इन ग्रोथ ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज रिजल्टेड इन सब्सटेंशियल एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई

hence businesses in digital domain doesn't actually occur in a physical location but instead takes place on cyberspace person carrying business in a digital domain could be located anywhere in the world entrepreneurs across the world have been quick to evolve their businesses to take advantage of these changes it has made it has also made it possible for the businesses to conduct themselves in a way that it did not exist early exist earlier, and give rise to new models that rely more on digital and telecommunication network, and do not require physical presence. Physical presence to notice to sakte usko arrest to karke la sakte physical presence hi and derive substantial value from the data collected and transmitted from such networks. The growth of e-commerce economy has revolutionized the concept of brick.

Internet of Things has revolutionized new business models in a line with the digital epoch, making it difficult to identify the location of the source or origin point of the business transaction. Taxation challenge relating to e-commerce. This new business model has created new tax challenges. A typical taxation issues relating to e-commerce transactions are

और इंडिया ने भी परमानेंट स्टाब्लिशमेंट का डेफिनेशन चेंज किया इंटरनेशनल टैक्सेशन जब चालू करेंगे यू व्हाट इज़ द चेंज हैज हैपेंड ड्यू टू डिजिटल प्रेजेंस इन अवर डेफिनेशन ऑफ परमानेंट इस्टाब्लिशमेंट फर्दर कैरेक्टराइजिंग द इनकम एज अ टेक्निकल सर्विस बिकम डिफिकल्ट इन द टेक्निकल सर्विस डज नॉट इन्वॉल्व ह्यूमन इंटरवेंशन ठीक है ज ए डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑपरेट सोफिटिकटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रोफेशनल फी में काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे टेक्निकल सर्विस में काउंट करेंगे कि नहीं टीडीएस वन नाइनटी फाइव का लगेगा कि नहीं ये सारी चीजें हमारे इंडिया में अभी चैलेंजेस आ रहे थे मॉडल गिवस टू स्टेटलेस इनकम सर वॉट इज स्टेटलेस इनकम स्टेटलेस इनकम मतलब ऐसा इनकम जो किसी भी स्टेट में टैक्स नहीं होता किसी भी कंट्री में टैक्स नहीं हो रहा गोइंग कंप्लीटली टैक्स फ्री तो यह गलत हो रहा था उसको रोकने के लिए जी ट्वेंटी ओ सी डी रिकमेंडेशन आया जिसका एक्शन प्लान वन हम डिस्कस करने वाले हैं बीपीएस प्रोजेक्ट का सो वॉट डी मीन बाई बी पी एस प्रोजेक्ट बेस्ट इरोजन एंड प्रोफिट शिफ्टिंग बीपीएस मतलब बेस्ट इरोजन एंड प्रोफिट शिफ्टिंग ये एक वर्ड है जो आपको याद रखना पड़ेगा बेस्ट इरोजन एंड प्रोफिट शिफ्टिंग होता है उसमें जी ट्वेंटी प्लान कमिटी एज अ पार्ट ऑफ टू थाउजेंड फिफ्टीन एक्शन वन रिपोर्ट आइडेंटिफाइड नंबर ऑफ बॉर्डर ट्रांजेक्शन चैलेंजेस रेज बाई द डिजिटलाइजेशन नोटेबली इन in relation to nexus data and characterization action report 1 analyze the following three options to unhone teen option diye the alag alag countries ko ki aapko kya karna chahiye aapke desh mein new nexus rule in form of significant economic presence to ye humne amend kiya hamare law mein significant economic presence test विथ होल्डिंग टैक्स मतलब टीडीएस को स्ट्रिक किया जाए जो हमने किया हुआ है 194 ओ oh, वगैरह ऐसे हमने सेक्शंस लेकर आए हैं तो यहां हाँ पर लिखा हुआ है तो सर यहां से क्या बोलते हैं ना एक बर्थ हुआ है ओईसीडी मॉडल में तो यहां पे मैं बात कर रहा हूं अभी इक्विलाइजेशन लेवी इंसर्शन ऑफ चैप्टर एट इन फिनेंस एक्ट 2016 तो आपको पहले तो एक्ट याद रखना पड़ेगा एमसीक्यू में आ सकता है कि कौन से एक्ट में इक्विलाइजेशन लेवी है तो प्लीज समझो इनकम टैक्स एक्ट में नहीं है ये ये फिनेंस एक्ट 2016 में है

इन एक लाख से ज्यादा अगर आप पे करते हो तो कल अगर ले तो भी नहीं लगेगा लेकिन ,00 तो अप्लाई हो जाएगा एज अ कंसिडरेशन फॉर ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट विल विध होल्ड परसेंट ऑफ ग्रॉस अमाउंट पेड एज इक्विलाईजेशन लेवी तो सिक्स परसेंट जितना अमाउंट ने पे किया उसका सिक्स परसेंट आपको यहाँ पे पे करना पड़ेगा लेवी विल ओनली अपलाई टू बी टू बी ट्रांजेक्शन मतलब बी टू सी ट्रांजेक्शन को नहीं लगेगा बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन को ही लगेगा वन ऑफ द प्राइमरी रीजन फॉर इंट्रोड इक्विलाईजेशन लेवी थ्रू फिनाट इज दिन ट्रीटी बेनिफिट क्योंकि इनकम टैक्स लॉस से क्यों नहीं लाया फिना क्यों लाया क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट बहुत सारी फॉरिन कंट्रीज के साथ हमने डबल टैक्सेशन अवॉर्डेंस अग्रीमेंट करके उनको बेनिफिट दे दिया है तो हम उनको टैक्स नहीं कर पातेवी इसलिए एक नया एक्ट बना दिया इन्होंने नेचर ऑफ इनकम टैक्स तो टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा आपको सामने वाली एनटीटी को टीडीएस का जैसा क्रेडिट मिलता है वैसे यहाँ पे टैक्स का क्रेडिट भी नहीं मिलेगा आपको यू डोट गेट एनी क्रेडिट हाँ आपका इनकम एक्सिम कर देंगे वो अलग बात है लेकिन TDA जैसा क्रेडिट नहीं मिलेगा आप रिफंड वगैरह नहीं ले सकते बिकॉज दिस इज नॉट ए इनकम टैक्स दिस इज अपरेट एक्ट ऑल टूगेदर आप इनकम टैक्स के लेक्चर्स में सुन रहे हो लेकिन दिस इज नॉट एन इनकम टैक्स इक्विलाईजेशन लेवी इज सेट लेजिस्लेशन एक अलग ही कानून है एक अलग एक्ट आपको बता रहा हूँ एक नया कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ सो डू नॉट कंपेयर दिस विद इनकम टैक्स इनकम टैक्स में इसके कनेक्शन है लेकिन ये इनकम टैक्स नहीं है

Or after for 2020. So only ये पहले था परसेंट और पढ़नेंगे हाउ एवर देशन रिसेबल फॉर स्पेसिफाइड सर्विस और सर्विसेज वुड नॉट इंक्लूड कंसिडरेशन विच आर टैक्सेबल एट द रॉयल्टी फीस फॉर टेक्निकल सर्विस इन इंडिया अंडर इनकम टैक्स लॉ ये रॉयल्टी को एप्लीकेबल नहीं होता ये फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज को एप्लीकेबल नहीं होता वो जैसे इनकम टैक्स में चलता है वैसे ही चलेगा उसको हम ओवर नहीं कर रहे तो सर हमारे पास आज की तारीख में दो इक्विलाईजेशन लेवी है सिक्स परसेंट इक्विलाईजेशन लेवी और ई कॉमर्स सप्लाई का टू परसेंट इक्विलाईजेशन लेवी चलो सर आगे चलते हैं द की आस्पेक्ट रिलेटेड टू इक्विलाईजेशन लेवी हैज डिस्कस बिलो लेवी क्शन वन सिक्सटी फोर में उन्होंने डेफिनेशन दिए है अब सेक्शन वन सिक्सटी फाइव सर वन सिक्सटी फाइव वगैरह इनकम टैक्स का नहीं है फाइनांस एक्ट का सेक्शन नहीं है ये मेन सेक्शन है ओरिजिनल जो आया था पहला सेक्शन वो 6% परसेंट वाला है देखो इसमें क्या बोलता है

सेकेंड एक सिचुएशन है द अग्रीगेड अमाउंट ऑफ कंसिड्रेशन फॉर स्पेसिफाइड सर्विस पर्सन रिसाइडिंग इन इंडिया और कैरिंग पी इन इंडिया डॉट एक्सीड वन लाख रुपीज एक लाख रुपए आपका थ्रेश होल्ड बन गया आपको याद रखना पड़ेगा इंपॉर्टेंट है ये विदेमेंट फॉर स्पेसिफाइड सर्विस बायर्सन रेसिडिंग इन इंडिया और पी इन इंडिया इज नॉट फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग ऑन बिजनेस आपने पर्सनल लेवल पर कुछ किया है

ऐसा होता है ना वन नाइनटी टू डॉट आईपी एड्रेस ये देखो मेरा आईपी एड्रेस देखो वन 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 सेवन डॉट टू हंड्रेड डॉट वन सेवेंटी एट डॉट टू वन नाइन तो इसको आईपी एड्रेस बोलते हैं तो हर कंप्यूटर का एक आईपी एड्रेस होता है और आईपी एड्रेस से ट्रेस किया जाता है कि इसका लोकेशन क्या है तो इतना एडवांस लॉ इन्होंने बना दिया आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे कि अगर हमारा इंडिया का आईपीआई एड्रेस यूज करके अगर किसी ने भी गुड्स परचेस किए या सर्विसेस परचेस किए ऑनलाइन तो उसका भी टैक्स इंडिया को मिलना चाहिए ऐसा इन्होंने लॉ बना दिया बट बड़े मजेदार लॉ है नॉन चार्जेबिलिटी ऑफ इक्विजेशन ले भी ये जो नई वाली आई है उसकी बात कर करें अभी वो लोग वेयर ई कॉमर्स ऑपरेटर मेकिंग और प्रोवाइडिंग और फैसिलिटिंग ई कॉमर्स सप्लाई और सर्विस है फ्लिपकार्ट इंडिया की कंपनी है तो उसको हम ये नहीं लगाएंगे कॉन्सेप्ट ठीक है ना क्शन वन सिक्सटी फाइव का लगेगा एडवर्टाइजमेंट वाला लगेगा तो ये वाला नहीं लगना चाहिए दोनों में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए और तीसरा सेल्स ऑल टर्न ओवर और ग्रोस रिसेट एट द केस में बी ऑफ द ई कॉमर्स ऑपरेटर फ्रॉम ई कॉमर्स सप्लाई और सर्विस मेड और प्रोवाइडर ऑफ एसिलिटेड लेस देन टू करोड़ ड्यूरिंग द फाइनेंशियल टू करोड़ मतलब यार ये बड़ी-बड़ी वेबसाइट के लिए करोड़ like अभी, big billion days में, या तो अभी दिवाली यहाँ पे तो टू करोड़ का नंबर ये yes, आपको इंपॉर्टेंट है आपको याद तो रखना पड़ेगा एग्जाम में आ सकता है सर वो एनआर एनआर से भी हम स्पेसिफाइड सरकम में टैक्स लेने वाले थे इंडिया में वो कौन सा था तो सेल ऑफ एडवर्टाइजमेंट विच टारगेट द कस्टमर हुई रेसिडेंट इन इंडिया और कस्टमर एडवर्टाइजमेंट थ्रू द इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी एड्रेस इंडिया तो मुझे बताओ अगर आप कोई भी फॉरिन की website अगर आप ओपन करते हो जैसे वॉलमर्ट की वेबसाइट आप ओपन करते हो या Amazon.com, डॉट कॉम एमेजोन डॉट इन वेबसाइट है अमेजोन डॉट कॉम आपने ओपन किया हुआ है और वहां पर एक इंडियन ऑर्गेनाइज इंडियन ऑडियंस को टारगेट करके एक एडवर्टाइजमेंट रन किया जा रहा है तो सर उसको भी हम टैक्स करेंगे भले आप नॉन रेसिडेंट हो लेकिन आपका टारगेट ऑडियंस इंडिया में है तो आपको टैक्स किया जाएगा फिर ये लोग डेटा भी तो बेचते होंगे ना जैसे पता है ना आप लोगों को कि अगर मैंने गूगल पे अगर लैपटॉप सर्च किया तो फेसबुक वाले मुझको लैपटॉप के रिकमेंडेशन देना चालू कर देते ऐसा कभी देखा आपने आपके सर्च ब्राउजर का आपने जो भी सर्च किया होगा उसका रिकमेंडेशन आपको इंस्टाग्राम पे आ रहा है आपको फेसबुक पे आ रहा है तो ये लोग डेटा सेल करते होंगे ना यार हमारा जो यूजर का डेटा है वो डेटा ही तो सेल किया जा रहा है आई ऑलवेज से वी आर नेकेड ऑन इंटरनेट ठीक है ना हमारा कुछ भी सीक्रेट नहीं है तुम्हारे मोबाइल में जो कुछ भी है सब कुछ एक्सेसेबल है थ्रू इंटरनेट डिजिटल फोन एवरीथिंग इज ओपन इन ए पब्लिक डोमेन तो आपको इतना समझ में आना चाहिए तो सेल ऑफ डेटा कलेक्टेड फ्रॉम पर्सन असिडेंट इन इंडिया और यूज एड द इंडियन आईपी एड्रेस तो उसका सर यहां पर भी हम टैक्स करेंगे चलो ये बातें हो गई है कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ गुड्स विधर ई कॉमर्स ऑपरेटर्स ओन द गुड्स अब अमेजोन की कुछ गुड्स जो होता है वो Amazon खुद ओन करता है अमेजोन बेसिक करके या यान पैंट्री करके जो प्रोडक्ट होते हैं वो के के खुद होते हैं लेकिन कभी कभी ये जो अमेजोन वाले होते हैं वो थर्ड पार्टी सेल भी करवाते हैं आपने देखा है कभी ऑल्टरनेटिव बाइंग ऑप्शन आपने कभी देखा होगा तो कुछ प्रोडक्ट अमेजोन पे लिस्ट होंगे और कुछ प्रोडक्ट अमेजोन पे लिस्ट होंगे लेकिन अमेजोन नहीं सेल करता कोई और ही सेल करता है देखा है कभी आपने ऐसे उसमें डिलीवरी चार्जेस वगैरह अलग से लगते हैं फिर तो उसने बोला कि सर तो आपका गुड्स का ओनरशिप है कि नहीं वो मैटर नहीं करता हाउ एवर इट शाल नॉट इंक्लूड कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ सच गुड्स विच आर ओन पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया और बाय परमानेंट स्टैब्लिशमेंट इन इंडिया ऑफ अ नॉन रेसिडेंट इफ सेल ऑफ सच गुड्स इज इफेक्टिवली कनेक्टेड विथ परिशमेंट भैया अगर आप किसी इंडियन की बात कर रहे हो या इंडियन रेसिडेंट की बात कर रहे हो या एनआर जिसकी पीई इंडिया में उसकी बात कर रहे हो

डिजिटल एडवर्टाइजमेंट स्पेस अगर आपने दिया है तो या एनी अदर सर्विसेज एज में यहाँ पे लिखा है ई कॉमर्स ऑपरेटर को यहाँ पे डिफाइन किया गया ऑनलाइन सेल ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विस ऑफ बोथ ई कॉमर्स सप्लाई ऑफ सर्विसेस कुछ भी हो सकता है ओन्ड ऑनलाइन सेल ऑफ गुड्स एंड ऑनलाइन सेल ऑफ सर्विस वुड इंक्लूड वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर फॉर सेल placing the purchase purchase order, order, acceptance of purchase order, payment of 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 payment consideration, supply of goods or or provision of services partly or wholly हमारे हाँ तो हो गए सर टैक्स का कलेक्शन कितना होगा या रेट कितना होगा तो रेट तो सिक्स परसेंट मैंने बता दिया एडवर्टाइजमेंट का सिक्स परसेंट होता है सेक्शन वन सिक्सटी फाइव का वो सिक्स परसेंट था और अभी जो नया आया हुआ है इक्विलाईजेशन लेवी और इक्विलाईजेशन लेवी को भी मल्टीप्लाई आपको राउंडिंग ऑफ करना होता है नियरेस्ट टेन रुपीज का और ये वन लाख रुपीज का यहाँ पे थ्रेश लिमिट है ये बात भी मेरी हो गई है सर कितने दिन तक भरना होता है जिस भी महीने में आपने एडवर्टाइजमेंट किया होगा उसके अगले महीने के सात तारीख तक आपको भरना होता है जैसा टीडीएस का भी ड्यू डेट अगले महीने का सात तारीख होता है वैसे इसका भी सात तारीख का ही ड्यू डेट है सर तो अगर आपने सात को नहीं भरा तो तो फिर आपका सर एक्सपेंसेस डिस अलाउड हो जाएगा आपको ऑसे डिफॉल्ट माना जाएगा नया जो इक्विलाईजेशन लेवी आया हुआ है उसको हमने क्वार्टरली मांगा है ठीक है ना वन सिक्स ए वाला जो सिक्स ए वाला जो ले भी है 2 वाला उसको उन्होंने क्वार्टरली मांगा हुआ है और क्वार्टरली देखो कैसे भरना है हमको पेमेंट कैसे करना है तो जून का जो क्वार्टर है उसका सेवेंथ जुलाई को जाता है तो क्वार्टरली जा रहा है तीस सितंबर तक का जो क्वार्टर जा रहा है उसका सेवंथ अक्टूबर थर्टी फर्स्ट डिसंबर का सेवन जनवरी इंपॉर्टेंट मार्च वाला है थर्टी फर्स्ट मार्च का गवर्नमेंट बोलता है मार्च में आपको भरना पड़ेगा तो ये 2 वाली बात हो रही है कि इसका डिविडेट क्या है वो देख लो इसके डिविडेट को भी एग्जाम में टारगेट किया जा सकता है ये भी राउंडिंग मल्टीपल मल्टीपल ऑफ राउंडेड ऑफ टेन रुपीज करना पड़ेगा इन्होंने यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिफरेंस बता दिया है सर फिर एक स्टेटमेंट भी देना पड़ेगा गवर्नमेंट को आपको वो स्टेटमेंट फॉर्म नंबर वन में देना होता है बिफोर थर्टी जून ऑफ इमीजिएटली फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर सर ये स्टेटमेंट रिवाइज किया जा सकता है क्या रिवाइज रिटर्न जैसे होता है हाँ किया जा सकता है आफ्टर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ टू ईयर्स आप रिविजन अगर आपको कोई रेक्टिफिकेशन करना होगा तो वो कर लो उसमें ऐसे कुछ कुछ पॉइंट है जैसे अपने पूरे इनकम टैक्स के पॉइंट है ना सारे पॉइंट यहाँ पे लेकिन मेन मेन जो था मैंने बता दिया आप लोगों को सर डिपार्टमेंट प्रोसेस करेगा क्या जैसे इंटीमेशन आता है नॉर्मल रिटर्न का वैसे इसका भी इंटीमेशन आएगा क्या हाँ आ सकता है अर्थमेटिकल एरर वगैरह जो होगा या आपके ऊपर अगर कोई इंटरेस्ट अगर आपको कंप्यूट करना होगा तो वो कंप्यूट करके दे देगा जैसे नॉर्मल आई का इंटीमेशन आता है वैसे इस स्टेटमेंट का भी इंटीमेशन आ सकता है ओके रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक आप कर सकते हो जैसे 154 में हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करते हैं मिस्टेक करते हैं तो वैसे यहाँ पे वन ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच इंटीमेशन शॉट टू बी अमेंडेड वॉज इशूड तो जिस साल इश्यू आया इंटीमेशन आया था उसके एक साल में आप उसको इंटीमेशन आ, कर सकते हो कि मुझे सर रेक्टिफिकेशन फाइल करना है सर अगर आपने नहीं भरा विद इन द पीरियड गिवन एट ड्यू डेट ड्यू डेट में नहीं भरा तो आपको वन परसेंट का पर मंथ का इंटरेस्ट लगता है वेरी सिंपल इंटरेस्ट वन परसेंट पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ सर पेनाल्टीज की बात करेंगे तो पेनाल्टी तो दुनिया भर की लेकिन आप अपने हिसाब से एक बार देख लो आपके सिलेबस में वैसे भी पेनाल्टीज इतना ज्यादा डिटेल में नहीं लिखा उन्होंने लेकिन अगर आपने ले भी अगर रिमिट करने के लिए गलती की है तो आपको दिन का पेनाल्टी हजार रुपए का है ठीक है ना मैक्सिमम पेनाल्टी इक्विलाईजेशन लेवी तक की जा सकती है तो उन्होंने बोला है कि हजार रुपया तो आपसे ले लेंगे और अगर आपने स्टेटमेंट अगर नहीं डाला है इनकम टैक्स का जैसे इक्विलाईजेशन लेवी का स्टेटमेंट गवर्नमेंट के साथ नहीं किया तो हंड्रेड रुपीज पर डे का आपको वो वाला पेनाल्टी भी लग जाता है बाकी आप अपील वगैरह कर सकते हो कमिश्नर ऑफ अपील्स को अपील की फी उन्होंने बोली हजार रुपया तीस दिन में अपील किया जा सकता है तो अपील वगैरह के जो प्रोविजन है हमारे फिर आप आईटीएटी को अपील कर सकते हो फिर हाई कोर्ट में जा सकते हो वो सारी बातें जैसी नॉर्मल लॉ की वैसे यहाँ पे भी रहेंगी प्रोसिक्यूशन हो सकता है तो ये सारी बातें इन्होंने यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे कंटेंट लिख के दिया हुआ है मुझे लग रहा है कि मोटा मोटी मेरा इक्विलाइजेशन लेवी पूरा बोल के हो गया आई होप इट इज क्लियर नाउ कि इक्विलाइजेशन लेवी क्या है और आप लोग आराम से इसको पढ़ सकते हो अभी तीन चार पेज का ही आपके बुक में लेकिन इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आने के पूरे चांसेस है बोलो क्लियर है अरे बाबा इक्विलाइजेशन लेवी क्लियर है ना ओके

तो इन्होंने पूरा यहाँ पे इक्विलाइजेशन लेवी का थेरी 6 वाला, मतलब देना, सब उन्होंने की यहाँ पे और वैल्यू एक लाख से ज्यादा होगा तो यहाँ पे पहले ऑप्शन तो पहले में उन्होंने बोला है, पूरे पांच लाख का सिक्स परसेंट इक्विलाईजेशन लेवी आपको भरना पड़ेगा तो तीस हजार रुपया गवर्नमेंट को देना पड़ेगा और जब तीस हजार अगर आप नहीं दोगे तो आप नॉन डिडक्शन ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी डिस डिसअलाउंस अंडर सेक्शन फोर्टी ए वन बी हंड्रेड परसेंट ऑफ द एक्सपेंडिचर डिसअलाउड हो जाएंगे ये पहला कॉन्सिक्वेंस उन्होंने बोला सर अगर आपने इक्विलाइजेशन ले भी भरा होगा तो जो रेसिपियंट है उसके हाथ में सेक्शन टेन फिफ्टी में ये पांच लाख रुपया एग्जाम हो जाता है लेकिन अगर पी क्यू आर लिमिटेड का इंडिया में पीई होगा पी होगा तो इक्विलाईजेशन लेवी नहीं लगेगा इक्विलान लेवी अगर नहीं लगेगा तो ये एग्जामशन भी नहीं मिलेगा तो वो आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाता है और क्योंकि आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाता है सेक्शन 195 में पेयर इंडिया में टीडीए डीडक करेगा और पेयर ने अगर टीडीए डीडक नहीं किया तो उसका फोर्टी में हंड्रेड एक्सपेंडिचर डिसअलाउड हो जाता है तो ये बातें सिंपल से लिखी है यहाँ पे और एक इन्होंने यहाँ पे सिमिलर क्वेश्चन दिया हुआ है लेकिन यहाँ पे आपका ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन दिया हुआ है और यहाँ पे तीन करोड़ की वगैरह बात की है दो करोड़ के ऊपर की बात की है तो वो भी आप देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा अभी लॉग आउट हो रहा है आप लोग सेवन फिफ्टी को लॉग इन कीजिए प्लीज सेवन फिफ्टी प्लीज लॉग इन एट सेवन फिफ्टी ओके